हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एनएच। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान जीके से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, राजस्थान की बोलियों से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर लगभग हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, और 60 क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके अलावा जो भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड संगणक जूनियर अकाउंटेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पटवार, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो राजस्थान जीके का एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। तो यहाँ पर आप राजस्थान जीके को आसानी से सीख सकते हैं और कवर कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर हमारा जो वीडियो रहता है दोस्तों, वो 15 से 20 मिनट का रहता है, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट का वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। 20 मिनट के वीडियो को अगर आप डबल स्पीड में देखते हैं तो 10 मिनट में आपका पूरा रिविज़न कम्प्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो वो भी आप सोल्व करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर गलत युग्म कौन सा है? हाड़ौती कोटा दिया हुआ है, बांगड़ी बांसवाड़ा दिया हुआ है, ढूंढाड़ी जयपुर दिया हुआ है, मेवाती उदयपुर दिया हुआ है। तो हाड़ौती कोटा बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। ढूंढाड़ी जयपुर भी सही है। अब यहाँ पर वागड़ी दिया हुआ है दोस्तों, ये मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये वागड़ी होता है, ठीक है। तो वागड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बांसवाड़ा हो जाएगी, ठीक है। मेवाती उदयपुर दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। मेवाती आपकी कहाँ पर हो जाएगी? अलवर में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाती उदयपुर जो दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? तो दोस्तों, ढूंढाड़ी भाषा जो है ये आपकी जयपुर में प्रधानता से बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर वाले एरिया में प्रधानता से ये बोली जाती है। ग्रेसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो दोस्तों, ग्रेसन के द्वारा भीलों की बोली की संज्ञा वागड़ी को दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? तो दोस्तों, उदयपुर में ज़्यादातर जो बोली जाती है वो मेवाड़ी बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बागड़ी हनुमानगढ़ दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों, जगरौती करौली दिया हुआ है, धावड़ी उदयपुर दिया हुआ है, गोडवाड़ी सिरोही दिया हुआ है। यहाँ पर ऑलरेडी मिलान कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जगरौती कहाँ पर बोली जाती है? करौली में बोली जाती है। धावड़ी कहाँ पर बोली जाती है? उदयपुर में बोली जाती है। और एक बोली है दोस्तों, ढाटी बोली, तो ये कहाँ पर बोली जाती है? ये आपकी बाड़मेर में बोली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, रांगड़ी और निम्माड़ी उपबोलियाँ हैं, तो रांगड़ी और निम्माड़ी जो है दोस्तों, ये मालवी की उपबोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। निम्माड़ी जो है इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इसे? दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा रागड़ी जो बोली है दोस्तों, ये किसका मिश्रण है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे ध्यान रखोगे आप, माँ माँ, यानी कि माँ से आपका मालवी हो जाएगा और माँ से आपका क्या हो जाएगा? मारवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, तो डिंगल क्या है दोस्तों? तो डिंगल काव्य की एक शैली है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर काव्य की शैली हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर बोली आंसर मत कर देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थानी भाषा दिवस जो है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 फरवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, डॉक्टर टेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो दोस्तों, राजस्थानी भाषा जो अस्तित्व में आई थी वो 12वीं सदी के अंतिम छोर जो चल रहा था उसमें आई थी। तो यहाँ पर 12वीं सदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो दोस्तों, गुजराती का मजबूत प्रभाव जो है वो वागड़ी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ढूंढाड़ी यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रज दिया हुआ है, वागड़ी दिया हुआ है, मेवाती दिया हुआ है। तो ढूंढाड़ी तो दोस्तों जयपुर में बोली जाती है, ब्रज भरतपुर साइड में बोली जाती है, मेवाती अलवर साइड में बोली जाती है। तो यहाँ पर बचेगा क्या? वागड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वागड़ी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? यानी कि कौन सी यहाँ पर ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, अहिरवाटी जो है दोस्तों, ये मेवाती की उपबोली है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी है? मेवाती की। मेवाती की और भी उपबोलियाँ हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक आपकी हो जाएगी दोस्तों राठी, एक आपकी हो जाएगी महेता, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अहिरवाटी हो जाएगी, इसके अलावा एक और बोली है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखनी, कठेर, ये भी मेवाती की उपबोली है। ये चार उपबोलियाँ आप मेवाती की याद कर लीजिए, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, राठी, महेता, कठेर और अहिरवाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, केसरी सिंह भारत ने मेवाड़ महाराणा को 1300 ओटे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो दोस्तों, 1300 ओटे
मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेजे गए थे? किस भाषा में? डिंगल भाषा में भेजे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? तो ये अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, मामा से आपको ध्यान रखना है, रांगड़ी बोली मामा, तो माँ से मारवाड़ी और माँ से मालवी हो जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, देख लो आप 2018 2020 और इसके अलावा भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो मेवाती बोली कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? अलवर में बोली जाती है, ये देख लो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है, तोरावाटी बोली प्रचलित है, तो तोरावाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? तो ये नीम का थाना में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो हाड़ौती जो है दोस्तों, ये ढूंढाड़ी की एक उपबोली है, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोटा बारा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र में ये बोली जाती है। नेक्स्ट है, अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवाती अलवर साइड में बोली जाती है, अहिरवाटी भी अलवर साइड में बोली जाती है, तो ये उत्तर पूर्वी राजस्थान हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है, तो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी हो जाएगी, ठीक है। मारवाड़ी मैक्सिमम कहाँ पर बोली जाती है? तो ये जोधपुर में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? तो ढूंढाड़ी बोली के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? जयपुर और टोंक वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें मेन कौन सा हो जाएगा आपका? जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है, तो मेवाती अलवर भरतपुर साइड में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? नोम चोमस्की, जॉर्ज अब्राहम ग्रीनसन, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लीजिए आप, ये पूछा जा सकता है। अब्राहम ग्रीनसन राजस्थानी भाषा से संबंधित है, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जो है ये भी राजस्थानी भाषा से संबंधित है, और हीरालाल माहेश्वरी भी राजस्थानी भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोम चोमस्की हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर वागड़ी बोली जाती है, जिसे भीली बोली भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रीनसन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम? जॉर्ज अब्राहम ग्रीनसन ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? वापस वही क्वेश्चन पूछा गया है, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, राठी। तो दोस्तों राठी किसकी हो जाएगी? मेवाती की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो ये अभी हमने डिस्कस किया, वागड़ी जो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये दक्षिण पश्चिमी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी भी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम भी दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम होगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम होगा, ठीक है। अगर ओनली ऑप्शन में दक्षिण होता तो हमको कन्फ्यूजन ही नहीं होता, बट यहाँ पर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दक्षिण पश्चिम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो अहिरवाटी और मेवाती उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आती, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो दोस्तों मालवी का शक्तिशाली प्रभाव किस पर है? वागड़ी पर है, यह अभी हमने डिस्कस किया, और गुजराती का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो भी वागड़ी पर है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि ढूंढाड़ी की कौन सी उपबोली नहीं है? तोरावाटी, नागरचोल, चौरासी। चौरासी जो है दोस्तों ये भी ढूंढाड़ी की उपबोली में आती है। खेराड़ी जो है ये मारवाड़ी की उपबोली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर बोली जाती है? ये शाहपुरा क्षेत्र, भीलवाड़ा, और कुछ एरिया इसका बूंदी का भी आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रेनसन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया? तो भीली बोली भी इसे कहा जाता है। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ? तो दोस्तों राजस्थानी का उद्भव जो है वो सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। रांगड़ी बोली मिश्रण है, ये किसका मिश्रण है? ये 2015 में वापस पूछा गया है दोस्तों, ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1961 में कुल कितनी राजस्थानी की बोलियाँ थी? तो दोस्तों 1961 में राजस्थानी जो बोलियाँ थी वो 73 थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 73 आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी भाग में जो प्रचलन है वो किसका है? हाड़ौती का है, ठीक है। अब यहाँ पर सही सुमेलित करना है दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी सुमेलित कर दिए गए हैं। मेवाती उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, निम्बाड़ी दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है, रांगड़ी और सोंदवाड़ी जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, और मारवाड़ी जो हो जाएगी आपकी ये पश्चिमी राजस्थान में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, टोंक और भीलवाड़ा,
ठीक है, भीलवाड़ा का यहाँ पर शाहपुरा वाला क्षेत्र आता है, इसके अलावा बूंदी का भी कुछ एरिया इसमें आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली का प्रचलन है, तो यहाँ पर मेवाड़ी हो जाएगी, तोरावाटी है, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, घूम फिर के वापस वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको रटवा याद होना चाहिए। अगला सवाल है राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ढूंढाड़ी दिया हुआ है, जयपुर दौसा किशनगढ़ टोंक बिल्कुल सही है दोस्तों, हाड़ौती कोटा बारा बूंदी झालावाड़ दिया हुआ है ये भी सही है, बांगड़ी अजमेर नागौर चित्तौड़गढ़ दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। ठीक है, मेवाती अलवर भरतपुर करौली धौलपुर दिया हुआ है ये सही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए थे, ब्रज जो है वो राजस्थानी बोलियों के अंदर नहीं गिनी जाती है, बट अगर आपसे पूछा जाए ब्रज कहाँ पर बोली जाती है तो आपका आंसर क्या करोगे, आप भरतपुर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है, तो दोस्तों गोड़वाड़ी बोली जो है ये आपकी सिरोही और जालौर में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर बोली जाती है, सिरोही और जालौर। ठीक है, ये दो जिले आपको ध्यान रखने हैं, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर जिले के प्रतापगढ़ अजबगढ़ थानागाजी बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है, तो दोस्तों यहाँ पर आ गया आपका अलवर जिला, तो यहाँ पर कौन सी बोली हो जाएगी, काठियावाड़ी बोली हो जाएगी, और बाकी जो तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे दोस्तों वो तीनों ऑप्शन ढूंढाड़ी मारवाड़ी और मेवाड़ी से दिए गए थे, तो यहाँ पर आप इजीली आंसर कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोटा छंद और मांडरांग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह है, तो यहाँ पर मारवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है, तो दोस्तों वो ढूंढाड़ी हो जाएगी। ठीक है, गोड़वाड़ी क्या है, तो गोड़वाड़ी सिरोही और जालौर में प्रचलित एक भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी हो जाएगी, मालवी हो जाएगी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित चार नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर मेवाड़ी का प्रयोग किया गया है। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है, तो दोस्तों राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा पंडित रामकरण आसोपा ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 8वीं शताब्दी के कुवल्यमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है, तो दोस्तों ये मरुवाणी या मरु भाषा के नाम से व्यक्त की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुवल्यमाला किसने लिखी थी, दोस्तों ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई थी और इसमें 18 भाषाओं का वर्णन है जिसमें मरुवाणी या मरुभाषा भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोंडवाड़ी पाटवी रतलामी उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं, तो ये मालवी की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रतलामी आ गया, इससे आपको समझ में आ गया होगा ये मालवी की हो जाएगी। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है, तो राजस्थानी है। उदयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है, तो उदयपुर आ गया दोस्तों, तो उदयपुर में कौन सी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है, तो दोस्तों मारवाड़ी आ जाए तो यहाँ पर जोधपुर आपको आंसर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है मारवाड़ी के बाद राज्य की महत्वपूर्ण बोली है, तो सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है दोस्तों, मारवाड़ी है। फिर इसके बाद कौन सी आ जाती है, इसके बाद आती है आपकी मेवाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले नंबर पे आपकी मारवाड़ी हो जाएगी, दूसरे नंबर पे आपकी मेवाड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मेवाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है संत दादू ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी, तो संत दादू के द्वारा साहित्यिक रचनाएं जो है ये ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चरणदास एवं लालदास जी के साहित्यों की भाषा है, तो दोस्तों ये मेवात के संत थे, तो यहाँ पर मेवाती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है मारवाड़ी। ठीक है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये जयपुर दौसा और टोंक में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। वागड़ी मैंने आपको बता दिया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ढूंढाड़ी की जो बोलियाँ है दोस्तों वो भी मैं बता देता हूँ एक साथ आपको। यहाँ पर हाड़ौती हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नागरचोल हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है। इसके अलावा चौरासी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपकी हो जाएगी राजावाटी, कौन सी हो जाएगी, राजावाटी हो जाएगी, ये भी ढूंढाड़ी की बोली है। इसके अलावा काठेड़ी जो है दोस्तों ये भी ढूंढाड़ी की बोली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तोरावाटी जो हो जाएगी ये भी आपकी ढूंढाड़ी की बोली है, तो यहाँ पर ये उपबोली आप ध्यान कर लोगे तो आपका आंसर आराम से सही हो जाएगा। इसके अलावा एक और उपबोली पूछी जाती है दोस्तों, देवड़ा वाटी, तो देवड़ा वाटी जो है दोस्तों ये सिरोही साइड में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर बोली जाती है, सिरोही साइड में बोली जाती है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और खेराड़ी मैंने आपको बता ही दिया, सेखावाटी जो हो जाएगी दोस्तों ये भी मारवाड़ी की उपबोली है, मेवाड़ी जो है वो भी मारवाड़ी की उपबोली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।